तो दस रही है। बच्चियों, गुफा में जाकर एसी ऑन करो। हंसना किसे पसंद नहीं है। जी हाँ, आज की स्ट्रेसफुल लाइफ में या फिर कहें कि टेंशन भरी जिंदगी में कुछ पल अगर हंसी के मिल जाएं तो कह सकते हैं कि हमारी आधी से ज्यादा जो टेंशन है वो खत्म हो जाती है। जी हाँ, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, और मैं हूँ आपके साथ नेहा वालिया। स्वागत है आप सभी का खबरें अभी तक। तो हंसने गुदगुदाने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज की इस खास पेशकश में मेरे साथ मौजूद हैं द ग्रेट कॉमेडियन विश्वास चौहान। बहुत बहुत स्वागत है विश्वास आपका। थैंक यू सो मच। तो विश्वास, इससे पहले हम प्रोग्राम की शुरुआत कर दें, जितने भी दर्शक इस वक्त देख रहे हैं सभी को बता दूं कि आज विश्वास चौहान का हैप्पी वाला बर्थडे है। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे विश्वास। तो आज आपका बर्थडे है तो हम क्या उम्मीद लगाएं, क्या हमें भी पार्टी मिलने वाली है विश्वास की ओर से, और मतलब क्या विश्वास जो है सबके चेहरे पे हंसी लाने वाला, वो अपने बर्थडे को किस तरीके से सेलिब्रेट करने वाला है? विश्वास अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करने वाला है अपने मम्मा के साथ। एक्चुअली ना, मैं 3-4 साल से मतलब ऐसा मेरा सेटअप चल रहा है, कभी किधर। तो मैं 4 बर्थडे से अपने मम्मा के साथ नहीं हूँ, तो ये वाला बर्थडे मम्मा के पर साथ। इस बात को मैं यकीन मान लूंगी, मतलब कुछ झोल हो सकता है इसमें कि मम्मा के साथ ही है, क्योंकि अब विश्वास जैसा कि एक अच्छा सेलेब बन गया है, तो क्या कोई गर्लफ्रेंड भी है इसके पीछे? मेरी गर्लफ्रेंड क्यों ढूंढ रहे हो? मैं नहीं ढूंढ रहा हूँ, तुम लोग क्यों ढूंढ रहे हो? अच्छा, अभी हम लोग ना रोज़ गार्डन के अंदर बैठे हुए हैं, चंडीगढ़ रोज़ गार्डन, जो प्यार के लिए मशहूर है। तो और मेरे बर्थडे का दिन भी है, तो एक फीमेल एंकर भी मेरे साथ है। चलो मान लेते हैं हम आपको डेट कर रहे हैं, ठीक है, आज डेट वाला फील रखते हैं। चलो चलिए। तो अगर मैं डेट पे हूँ तो मैं तो अब इतना अच्छा एक हैंडसम लड़का मेरे साथ बैठा हुआ है, तो मम्मी को फोन कर लूं? नहीं, अब मैं तो यही एक्सपेक्ट करूंगी ना कि आप अच्छे से मुझे प्रपोज करें, डेट पर लाएं। मैं आपको एक चीज बता दूं कि विश्वास का एक मैंने वीडियो देखा है सोशल मीडिया पर, अगर आप भी देखते होंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से, एक उम्दा तरीके से जो विश्वास है सबको, लड़कियों को खास करके डेट करता है। तो जितने भी लड़के देख रहे हैं वो आज जान लीजिए कि विश्वास कैसे डेट करता है। विश्वास, आप कैसे डेट करते हैं एक लड़की को? अरे डेट वेट का एक्सपीरियंस नहीं है हम लोगों को। अगर सपोज मैं आपके सामने बैठी हूँ तो आप किस तरीके से, मतलब क्या कुछ आपका रहेगा अंदाज, मतलब तारीफ कैसे करेंगे आप? तारीफ का मतलब वो यही रीजन है कि हमारी जिंदगी में प्यार नहीं है ना, क्योंकि प्यार मांगता है तारीफ, और तारीफ से हमारा ताल्लुकात कुछ नहीं है। हम तारीफ ऐसे ही करते हैं क्योंकि फीमेल के नाम पे ज्यादा मैंने मेरी मम्मी को देखा है, या फिर उनके बाद भैंस को, तो या तो माँ से कंपेयर करूंगा या भैंस से। तो भैंस से तो मैं कंपेयर नहीं करूंगा आपको। बेबे, इतनी दूर क्यों बैठी है, थोड़ी पास आ। इट्स ओके। आज तो दस रही है। इतनी बड़ी बिंदी क्यों लगाई? मतलब छोटी लगाती तो भी सुतरी लगती। बाल बड़े मुलायम है तेरे। थैंक्स। शैम्पू तो हमारी भैंस का भी करेगा, इतने मुलायम को नहीं। तू भी उतनी नरम है जितनी मारी भैंस। तालू। हाँ मेरे कड़ी पकोड़े। तो मतलब यहीं पे सारे सपने जो हैं चकनाचूर, अरे आप समझ सकते हैं। यही तो एक हरियाणवी की बात, तो एक हरियाणवी लड़के की लव स्टोरी कैसी होगी? हरियाणवी लड़के की लव स्टोरी ना बड़ी रफ टफ सी होती है। मेरे को कॉलेज का याद है, ये मेरा इंसिडेंट नहीं है, मेरे एक दोस्त का इंसिडेंट है। तो कॉलेज कैंटीन के अंदर उसको एक लड़की काफी दिन से पसंद थी, तो उसने उस लड़की को जाके प्रपोज कैसे किया वो लाइन मुझे आज तक याद है कि आओ मैडम जी मैं आपने सेट कर लूं। तो लड़की ना उसकी क्यूटनेस पे ही मर गई थी। तो हरियाणवी बंदा जो बोल रहा है ना तो वो मायने रखता है उसके। अच्छा, अब जैसे हम रोज गार्डन में बैठे हैं तो शायद आपकी भी बात बन जाए, क्योंकि गर्लफ्रेंड की तलाश जो है जारी है। एक पंजाबी मुंडा है ना, गबरू जवान, एकदम हट्टा कट्टा, लड़कियां देख के उसकी बॉडी पे फ्लैट हो जाती हैं, और एक हरियाणवी लड़का रफ एंड टफ गाय है ना, तो दोनों में क्या डिफरेंस लगता है? मतलब क्या लगता है अगर एक पंजाबी लड़का खड़ा हो और एक हरियाणवी लड़का खड़ा हो तो लड़की किस पे फ्लैट होगी पहले? हरियाणा पंजाब तो ये 50-60 साल पहले, 60 साल पहले अलग हुए हैं, पहले तो एक ही थे, पहली बात तो ये। तो हम दोनों हैं तो एक जैसे, और हरियाणवी और पंजाबी का पता आपको तब चलेगा जब वो मुंह खोलेगा। तो हमारी प्रॉब्लम ही वहां से शुरू होती है। दिखते तो हम सब लोग ठीक ठाक हैं, ये मैंने एक स्टेज से भी बोला था कि मैं शर्त लगा सकता हूँ कि नाम हमारे कालू बेशक हैं, लेकिन नॉर्थ के अंदर जितने सुंदर लड़के और लड़कियां हैं गारंटेड कहीं पे नहीं है। तो हम नॉर्थ में ही आते हैं, और पंजाब और हरियाणा खूबसूरती में तो ऊपर है,
तो ऐसा कुछ नहीं है कि लड़की कहाँ जाएगी। बाकी भाई जीनियस है, दो बातें अच्छी करेगा, यही आएगी। मेरे घर में ना सच में बचपन से साजिश की गई है कि हमारे बेटे को खूबसूरत लड़की ना मिले। मेरा नाम ही कालू रख दिया। मैं आपके साथ शर्त लगाता हूँ, पूरी दुनिया में इतने आतंकवादी नहीं है जितने हमारे हरियाणा में कालू नाम के छोरे हैं। विश्वास, क्या लगता है कि जो कालू है, हमने बहुत बातें सुनी है, बड़ी अटपटी बातें भी करता है कई बार जो समझ से थोड़ी परे होती है, कालू अगर किसी लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश करेगा तो किस स्टाइल में करेगा? पहला लड़की के मूड पे डिपेंड करता है। अच्छा, तो मतलब अभी वो इंटरेस्ट ले रही है। लेकिन मैं आपको दो एग्जांपल देती हूँ। एक तो लड़की बहुत खुश है और मतलब वो चाहती है कि कोई उसे डेट करे। दूसरा, लड़की बहुत ज्यादा परेशान है, गुस्से में है, लेकिन जो कालू है उसका पहला पाला पड़ता है गुस्से वाली लड़की से, तो वो किस तरीके से उसे डेट करेगा? लेकिन उसे पता नहीं है कि लड़की गुस्से में। अच्छा, लड़की गुस्से में। अगर खैर अगर मुझे पता होता तो बात अलग थी। देखो यार, कष्ट अपनी जिंदगी में पहले ही बहुत तो अपने को कष्ट तो किसी का भी चाहिए नहीं। हाँ। अब रही बात दूसरी लड़की की, जिसको डेट करना ही है। अब जिसको डेट करना है तो कालू कालू ही रहेगा, वो तो बदलता नहीं। तो डेट करना है तो ऐसे ही कालू को करो। ये कोई लड़की टैटू कराएगी आई लव यू कालू? जाकिर भाई, किसी भी लड़की के सपनों का राजकुमार कालू तो नहीं होता। वैसे सच में कालू नाम होते हैं कुत्तों के। कई बार मेरी गली के कुत्ते मुझे सेम पिंच कर चुके हैं। अच्छा, एक चीज और, लड़कियों को ना गिफ्ट्स बहुत पसंद होते हैं, मुझे लगा लो, मुझे तो बहुत पसंद है। तो अब मान लो डेट कर रहे हो किसी को, या कोई गर्लफ्रेंड है या कुछ भी, या कालू ही लगा लो, अब कालू अगर किसी को कोई गिफ्ट दे रहा है तो अपना लठ तो नहीं दे देगा जाके? अरे लठ मेरी जान है, लठ कैसे दे दूंगा। हाँ, तो फिर क्या देगा? तो लठ तो वो वाला है कि जो जिसको भी डेट करेंगे ना, तो उसके लिए लठ सौतन वाला काम करेगा, क्योंकि उसके आने से पहले भाई सभी के लिए एक इशारा है इनडायरेक्टली वे में, जितनी भी लड़की है। वो मेरा मन लगा के रखता था भाई, उसने मेरा ध्यान मतलब पूरा ध्यान रखा है। और क्या सब कहते हैं कि एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, यहाँ लठ है। कामयाब भी लठ ने किया है, टीवी पे भी लठ की वजह से। तो लठ से प्रेम ज्यादा है। लठ तो नहीं दूंगा गिफ्ट, तो गिफ्ट देंगे क्या यार? ये पता है बहुत वीक हूँ मैं इस मामले में ना, तो यही चक्कर रहेगा कि जिंदगी महिला रहित निकल रही है। थोड़ी देर तू मेरा लठ पकड़ और ध्यानतर पकड़, ही बहुत क्लोज है। मैं आया। अच्छा विश्वास, अब फाइनलिस्ट रहे हैं आप द ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो जो था आपका, लाफ्टर चैलेंज शो था, तो आप फाइनलिस्ट रहे हैं, काफ़ी प्राउड मोमेंट है वो सभी के लिए, जितने भी हरियाणा के यहाँ पर लोग हैं उनके लिए काफ़ी प्राउड मोमेंट है। तो जब आप फाइनलिस्ट थे, वो दौर कैसा रहा, और उसके बाद अब जैसे काफ़ी दोबारा से उसी लाइफ में आ गए हैं, तो मतलब कोई चेंज आया या वही कूल अंदाज जो एक हरियाणवी ठेठ लड़के का होता है अभी भी वही सब है? देखो, मैं मेरे को फेसबुक पे कुछ लोगों के मैसेजेस आते हैं कि यार भाई तू भूल तो नहीं गया मुझे, भाई तू बदल तो नहीं गया। मैंने कहा मैं क्यों बदलूँगा, वो तुझे डर है कि तू, मैं तुझे भूल गया। तू मुझे मैसेज करके कह रहा है भाई तू मुझे भूल तो नहीं गया। हाँ। मतलब कि तेरे दिल में कोई ना कोई बात तो ऐसी है जो तूने पहले की थी कि ये भूलेगा मुझे। तो जो लोग पहले प्यार करते थे, आज भी मेरा उनसे वैसे ही मिलना जुलना है। हाँ, बस थोड़ा सा ये है कि कुछ एक अपने लोग थोड़े से ज़्यादा एक्साइटेड हैं। जैसे अभी मैं घर गया था, तब थोड़ा सा इंसिडेंट हुआ कि मम्मा ने मेरे को बताया कि जब मैं सो रहा था तो 5-10 लोग सोते हुए के साथ फ़ोटो खींच के लेके गए। तो अच्छा लगता है जब आपके अपने लोग आपको इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, प्यार करते हैं, और आप ऐसे ही हैं। तो अभी बर्थडे की क्या कुछ प्लानिंग्स है? दोस्तों के बारे में आपने बात की कि मेरा जो ज़्यादा टाइम है वो दोस्तों के साथ बीतता है, तो क्या कुछ प्लानिंग्स हैं और किस तरीके से सेलिब्रेशंस रहने वाले हैं? मेरी वो एक बात थी कि अच्छा, इसमें आपको जवाब ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, तो रॉकेट जो होता है ना, एक रॉकेट को चलाने के लिए बड़ी सोसाइटीज़ के अंदर पूरा प्रोसेस होता है कि बोतल लाएंगे, बोतल रखेंगे, उसमें रॉकेट को लगाएंगे, फिर आग लगाएंगे, रॉकेट ऊपर बूम। तो देखो, हरियाणा में बोतल की तो खैर कोई कमी है नहीं, तो ये तो पहले सवाल का जवाब है कि बर्थडे पार्टी में क्या लाइनअप है। बिल्कुल। और हम ना जब ऐसी कोई चीज़ मिल जाती है ना, हमारे लिए एक्साइटमेंट की बात है रॉकेट मिलना। तो नई चीज़ को लेके हम एक्सपेरिमेंटल हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले रॉकेट को टेढ़ा करके नीचे लिटाते हैं,
फिर उसके पीछे रस्सी बांधते हैं, फिर आग लगाते हैं, फिर बेचारा रॉकेट आगे भागता है, हम पीछे पीछे। तो ऐसा ही कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे और वो प्लान नहीं होता कभी भी, क्योंकि कल पता नहीं मुझे कौन सी नई चीज मिलेगी और मैं उसको लेके एक्सपेरिमेंटल हो जाऊंगा। तो हमारा अभी ऑन द स्पॉट डिसाइड हो। तो कोई मतलब कोई ऐसा एक्ट जो हमेशा मतलब ऐसा लगा हो ये धुआंधार परफॉर्मेंस है और मैं कभी भी करूं तो मतलब लोग बहुत पसंद करेंगे? धुआंधार परफॉर्मेंस, आज रोज गार्डन में हैं हम लोग और आप मुझे डेट कर रही हैं। पर मुझे अभी तक ये पता ही नहीं चल पाया कि मैं आपको डेट कर रही हूं। अरे डेट मतलब मीटिंग बस, ज्यादा नहीं। डेट मतलब मीटिंग बस। तो तभी तो हमें यही आता, हमें नहीं आता। ओके ठीक है, मैं आपको डेट कर रही हूं आगे। ओके तो ऐसी ही कुछ एक चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। मेरा एक ऑब्जर्वेशन था कि अब हम मुंबई गए, दिल्ली में रहे और चंडीगढ़ में हम बैठे हुए हैं, तो यहाँ लड़कियों की एक बड़ी चीज़ वो फेमस है, सेल्फी जो लड़कियाँ लेती हैं। और सेल्फी में भी मैं आप लोगों को बता दूं कि इन्होंने बहुत ईजाद की हुई है, मतलब अलग अलग ये सैकड़ों तरीके के तो मुंह बनाती हैं, उसका नाम रखा हुआ पाउट। अच्छा, अब वो पाउट बनाती हैं ये कुछ इस तरह से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप सेल्फी लो आप पाउट बनाओ, अपने को कोई दिक्कत नहीं, अपने को होती है कन्फ्यूजन। अच्छा, हुआ क्या है, एक इंसिडेंट ऐसा हुआ, जैसे आप सामने बैठी हैं और आपने पाउट लेके सेल्फी लेने की कोशिश की, तो अब जब आपने सेल्फी ली, यहाँ तो गलत फहमी हो गई ना, हमें लगा कि हमें कुछ मिलेगा और मिला मुला कुछ नहीं। तो मैं इस बात के लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई जो चीज देनी नहीं है वो दिखा क्यों रहे हो, और अगर दिखा रहे हो तो दे क्यों नहीं रहे हो। लेकिन विश्वास मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि देखो फोटोज लेना हर किसी को पसंद है ना, सेल्फीज आजकल तो फोन्स भी ऐसे ऐसे आ रहे हैं ना, ओप्पो F1 है, सेल्फी एक्सपर्ट, ये एक्सपर्ट वो एक्सपर्ट, तो अगर लड़कियां सेल्फी लेती है तो लड़के इतना भावुक क्यों जाते हैं इस चीज में? नहीं मैंने कब कहा, मैंने कहा मुझे सेल्फी से कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को तो उस कंफ्यूजन से दिक्कत है। इतनी प्रॉब्लम रहती है कि लड़कियां इतनी सेल्फी क्यों लेती हैं? सॉरी टू से, जब मालिक ने परमात्मा ने हमें खूबसूरत सा चेहरा, अच्छा अच्छा आप खूबसूरत हो, सामने से बंदा कह रहा है कि आप खूबसूरत हो, फिर उसके बाद क्यों क्यों उन होठों के साथ इतने गेम खेले जा रहे हैं? अरे होंठ हम तारीफ करने के लिए बैठे हैं, लड़के बोलते तो हैं गुलाब की। अच्छा एक चीज बताओ विश्वास, लड़कियों का मतलब ये होता है, जेन्युइन सी चीज है, मुझे भी पसंद है पाउट बनाकर सेल्फी करना, पर क्या ऐसा कभी नहीं होता कि लड़के कभी इस चीज को ट्राई करते हो, भले वो सबके सामने ना ऐसा दिखाते हो, कभी लड़कों ने भी तो ट्राई किया होगा कि हम भी देखते हैं कैसी फोटो आती है? फुर्सत नहीं है, फुर्सत नहीं है, कभी आपने ट्राई नहीं किया? नहीं पाउट नहीं मैंने ट्राई किया, कभी ट्राई नहीं किया, कभी क्यों करूंगा मैं, मतलब जिस चीज के लिए मैं बोल रहा हूँ मतलब ना। और इनकी खासियत भी क्या है, जो ये पाउट वाली लड़कियां होती है ना, ये ऐसे करके पाउट, मैं आधी से ज्यादा, मेरे को पता है दिल्ली चंडीगढ़ के अंदर आधी से ज्यादा हरियाणा पंजाब की लड़कियां हैं। हाँ। वो लड़कियां पाउट बनाती हैं जो शाम को चटनी से रोटी खा रही होती है। तो मतलब यार अपने रूट क्यों छोड़ते हो, और मतलब पाउट अच्छा सेंसलेस। अच्छा मतलब आप लड़की हैं, आप मुझे बताइए कि पाउट क्यों और क्या है? पाउट देखिए नॉर्मल सी चीज है, एक हर कोई अलग तरीके से पोज करता है, अलग तरीके से किसी का कुछ स्टाइल होता है, किसी का कुछ स्टाइल होता है, कि इन्वेंशन ही समझ लो कि हाँ लड़कियों ने। लेकिन एक बात बताऊं, जितने भी लड़के चाहे आप ही हैं इस चीज को लेके सेल्फी पाउट के लेके मजाक उड़ाते हैं लड़कियों का, लेकिन लड़के भी उस चीज को पसंद करते हैं, कहीं ना कहीं तारीफ लड़के ही करते हैं। कौन है, कहाँ रहते हो? बहुत लड़के हैं, अभी कहीं तो यही इनको ढूंढो, यही है जो हिम्मत बड़ा बड़ा के सच्चा नाश कर दिया सोसाइटी का। बहुत से तो आपके दोस्त होंगे खुद के। अरे यही, अच्छा अरे कंफ्यूज आप भी हो। नहीं अरे हमें पाउट से कुछ लेना देना है ही नहीं, तो फिर किससे लेना देना? लड़की, मेरे को अभी किसी ने पूछा, कहता कि आपको अगर डेट करना हो या आपको शादी करनी हो तो आपको कैसी लड़की चाहिए? मैंने कहा बस लड़की चाहिए। हरियाणवी आदमी का पहला फोकस इस बात के ऊपर है कि महिला दिखे। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो कल को कोई गर्लफ्रेंड मिल जाती है या कुछ भी होता है, ठीक है, और लड़की की पहली पसंद यही है, लेकिन लड़की आपको बहुत पसंद है, फिर कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करेंगे? लड़की की पहली पसंद है कि मुझे सेल्फी करना है और पाउट बना के कर, और लड़की मेरी पहली पसंद। हाँ, आपको लड़की बहुत तो पसंद फिर, है तो फिर आप एक्सेप्ट कर लेंगे। अच्छा, तब कोई दिक्कत नहीं है तब हम। अरे मैं किसी के सपने मारने की बात नहीं कर रहा हूँ, लड़की चाहिए लेकिन अगर लड़की को वो पसंद है तो बहुत मतलब उम्दा बात है। ये लड़का ऐसा खुद बोल रहा है कि अगर लड़की की पसंद है तो हम लड़की की पसंद को या फिर लड़की के सपनों को नहीं मारने वाले। हाँ मतलब हमारा कोई रोल नहीं है आपकी सेल्फी में, बट जो आपकी सेल्फी को देख के हमें लगता है
आप इसका ख्याल रखें। तो भाई ये मैसेज है सभी लड़कियों के लिए, जितनी भी लड़कियां इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रही हैं, कि अगर आप सेल्फी ले रही हैं और आपको सेल्फी लेना कितना भी पसंद हो आप लीजिए, लेकिन लड़कों की भावनाओं का ख्याल रखिए। क्यों विश्वास? हाँ, सावधानी पूर्वक ले, हमें भी पसंद है आप सेल्फी ले, इंस्टा पे टैग भी करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप खूब सेल्फी लीजिए और इसके बाद भी हम आपको विश्वास की अनदेखी और खास परफॉर्मेंसेस दिखाएंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। बच्चियों, गुफा में जाकर एसी ऑन करो। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, विश्वास चौहान। विश्वास, सबसे पहले एक बार फिर से आपको आपके जन्मदिन की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। अब विश्वास, एक मन में थोड़ा सा सवाल था आपकी पर्सनालिटी को देखते हुए और आपका जो कैरेक्टर है कालू, जितना हमने सुना उसके बारे में। विश्वास जो है बड़ा मतलब एक सिंपल सा लड़का, भोला भाला सा, मतलब बहुत सीरियस रहने वाला काइंड ऑफ लड़का, इस तरीके का नाम है, तो कैसे पेरेंट्स ने मतलब विश्वास क्या सोच के रख दिया? पेरेंट विश्वास नाम ना ऐसा है कि आपने सुना होगा, सब लोग कहते हैं कि विश्वास करो हो जाएगा, विश्वास करो हो जाएगा, पापा ने किया और हो गया। तो फैमिली का विश्वास है ये। मैडम आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि आपकी तारीफ। हाँ, मैंने ब्रेक से पहले बोला था। यार उधार नहीं लेके जाना, औरतों का दिल नहीं दुखाना चाहिए। औरतों का दिल मतलब लड़कियों का, सॉरी। देखा कितना कितना ऐसे ऐसे पकड़ती है। नहीं 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 नहीं, नहीं। चार साल उम्र बढ़ गई मेरी। नहीं नहीं नहीं, नहीं। देखो दो ही तो चीजें होती है, एक लड़की से उसकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए और दूसरी सैलरी। विश्वास बहुत ज्यादा स्मार्ट इंटेलिजेंट भाई जीनियस। तो मैडम की पर्सनैलिटी देखो ना, मैडम की पर्सनैलिटी मैंने अभी दो मिनट में ब्रेक के टाइम पे देखा कि मतलब आप पूरा मिलिट्री वाला लुक करके आई हुई हैं, जूते पुलिस वाले डाले हुए हैं। तो पुलिस से और हरियाणा से सारा मिला के मेरे को एक बात याद आई कि मतलब हम हरियाणवियों को लेके ना सबकी परसेप्शन बड़ी गलत है कि ऐसे सही है, लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, बात करने की अकल नहीं है, इंग्लिश तो हम बोल ही नहीं सकते, ये वाली बात भी सही है। तो मैं कहता हूँ कि हरियाणा वैसा नहीं है जैसा आप लोग सोचते हो। हाँ थोड़ा सा ऐसा सीन है अपने यहाँ कि लड़कियों को 8 बजे तक घर वापस आना पड़ता है। Exactly. हाँ, और पुलिस वालों को 6 बजे तक। और प्यार प्यूर हमारी हमारी जिंदगी में है भी क्या, मतलब अपने यहाँ आशिकों का मतलब सेटअप ही अलग है। जैसे मतलब मेरा एक दोस्त है, वो एक नई जैकेट लेके आया, जैकेट सर्दियों का टाइम है तो जैकेट लेके आया 2700 रुपए की। अब उसकी एक्सपेक्टेशन ये है हाँ। कि अब 2700 की जैकेट है, अब तो लड़की को देखना चाहिए ही चाहिए, भाई इतने जैकेट ली है। तो मतलब वो बता रहा था मेरे को कि मेरे को इतनी तक गलतफहमी हो गई कि वो जैकेट पहन के और नई जैकेट पहन के ऑटो में बैठ के ऑफिस जा रहा था, चंडीगढ़ ही रहता है हाँ। तो एक लड़की आई, आके उसके लेफ्ट साइड में बैठी है और ऐसे ही रेंडमली वो थोड़ी सी उसकी तरफ खिसक ली। तो उसने पहले लड़की को देखा है, फिर जैकेट को देखा, 2700 काम आ गए। तो ये वो वाले आशिक है मतलब हाँ। जो मतलब इनकी आशिकी चलती भी ऐसे है कि अगर इनसे कोई गलती। मुझे लगता है आशिक जितने भी हैं, आपने बहुत रिसर्च किया उनके ऊपर, तो दो तरह के आशिक होते हैं ना। मैं आपसे मुंबई का काफी अच्छा आपका एक्सपीरियंस रहा है, तो मुंबई में जैसे लवर्स होते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं लोग, तो बहुत ईजी रहता है उनके लिए ना कि लड़की को घुमाना, यहाँ ले जाना, वहाँ ले जाना। अगर हरियाणा की हम बात करें, हरियाणा के जो आशिक मतलब जो रिलेशनशिप में होते हैं लड़के लड़कियाँ, उनकी लाइफ कितनी टफ होती है। क्या कोई एग्जाम से नहीं लगता एग्जाम जैसा उनके लिए होता है, किसी लड़की को लाना फिर घुमाना और हरियाणा के अंदर आपको लड़की का हाथ पकड़ने के लिए प्रचंड तप करना पड़ेगा। मतलब ना एक पूरा प्रोसेस है, मतलब पहले तो 3-4-5 महीने आशिक का चलता ही है कि वो छत पे है, ये नीचे है, और वो इसमें खुश है, और वो भी वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करती, वो सिर्फ ऐसे कपड़े उतारते वक्त इतना ही देखेगी कि बन गई बात, फिर नंबर एक्सचेंज होते हैं। अच्छा नंबर एक्सचेंज होते हैं मुंबई में, दिल्ली में, आप चंडीगढ़ में बैठे हो, यहाँ मतलब बात हो रही है, फोन आ गया बात हो रही है। अपने इधर जब बात होती है ना तो उसके अंदर भी मतलब पूरा टास्क है वो कि रात को पहले तो आप फोन नहीं कर सकते, उधर से मिस कॉल आएगी तब आप फोन करोगे, ये वाला प्रोसेस है। अब जब मिस कॉल आ गई, मिस कॉल के बाद सामने आप लड़का फोन मिला के बोलता है इधर से हेलो, और उधर से आती है बहती हुई हवा, इधर से बोलेगा हेलो, उधर से आएगा सीरियसली ना, मतलब ऐसा लगता है कि जी आत्मा भूत प्रेत से बात कर रहे हैं।
अब ये इधर ये वो वाले मोस्टली ना ये वो वाले लोग हैं जो सारा दिन चश्मा लगा के नहीं घूमते, तो इनके अंदर रात को प्यार की शक्तियां उमड़ती है तो ये रात को प्यार करते हैं ऐसे, हां जी नाच, ये इधर प्यार फरमा रहे हैं उधर मम्मी पापा किचन के अंदर सिलेंडर चेक कर रहे हैं वो तो लीक नहीं है। तो ये हमारे हरियाणा की लव स्टोरीज का है भाई, हमारे यहाँ मिलना थोड़ा। लेकिन विश्वास, एक जैसे ग्रुप होता है ना लड़कों का, तो उन लड़कों के ग्रुप में एक ऐसा मास्टर होता है जो सबको सिखाता है आशिकी के गुण किस और तरीके सिंगल, से वही सिंगल होता है तो आपका जो ग्रुप है क्या उसमें कोई इस तरीके का मास्टर है? ना, अच्छा, मैं हूं ना। आप सबको सिखाते हैं गुण की किस तरीके से लड़की पटाई जाए, किस तरीके से घुमाया जाए, किस तरीके से उसे प्रपोज किया जाए, किस तरीके से उसकी तारीफ की जाए? वो कभी भी किसी को सिखाता नहीं है, वो सिर्फ सामने बैठ के बेस्ट एक्टिविटी जज करता है। अच्छा। कि ये वाली चल गई, अब ये मैं अप्लाई करके आता हूँ तो उसका ये सीन है, उसके पास कुछ नहीं है, वो सिर्फ दूसरों को सलाह देने के लिए बैठा हुआ है। हमारे हरियाणा में मर्दों की सिर्फ दो कैटेगरी, एक जिनकी जिंदगी में औरत है और दूसरा जिनकी जिंदगी में औरत नहीं है। हाँ नल्ले और मैं कतई शर्मिंदा नहीं हूं, मैं दूसरी कैटेगरी से आता हूँ। हाँ हाँ भाई, हाँ जाकिर भाई नल्ला। ऐसे मुंबई का आपने मुंबई की लड़कियों के बारे में, मुंबई मैं गया वैसे अपने फ्लाइट का एक्सपीरियंस मैं पहले शेयर कर चुका हूँ कि फ्लाइट के अंदर महिला कंडक्टर होती हैं, वो एक्सपीरियंस हुआ। अब सामने से लड़की अगर आपकी तरफ चल के आ रही है और अगर आप हरियाणवी हो तो आपका दिमाग सबसे पहले इसी बात पे जाएगा, मेरे मुंह से कुछ निकला तो नहीं, कहीं मारने वारने तो नहीं आ रहे। अब मुंबई में एक लड़की आई ऐसे, अरे हाय विश्वास मैं कह यार ये तो वो नवाज भाई वाली और उसकी बात है, परमिशन तो लेना चाहिए, पूछा भी नहीं एकदम से सरप्राइज कर दिए हमें तो वो उतना उधर इतना फ्रैंक है एनवायरनमेंट और मेंटेलिटी, मैं भी कहूंगा कि हमारे यहाँ की मेंटेलिटी को भी ग्रो करना चाहिए, लेकिन हमारी सादगी हमारी पहचान है तो हम सादे खूबसूरत हैं। सोचो जरा कि अगर हरियाणा में भी इस तरीके से सब होने लगे और लड़कियों को ज्यादा मेहनत ही ना करनी पड़े लड़कों को, मतलब उन्हें पटाने के लिए या फिर 2700 रुपए का जैकेट लेके उन्हें इम्प्रेस करने के लिए, तो कैसा माहौल होगा एकदम से? अरे वो आशिकी क्या जिसमें पहाड़ ना चढ़ा, मैंने कहाँ सुना था ये लाइन, मेरा नहीं है कि वो मोहब्बत ही क्या जिसमें पहाड़ ना चढ़ा हो। हाँ। तो मेहनत जरूरी है, उधर उनको इजीली मिलता है, तभी तो हमारे यहाँ तो आज तक आधे हरियाणा में ब्रेकअप नाम का वर्ड इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ ब्रेकअप नहीं होता बेवफाई होती है, धोखा दिया है। तभी ऐसा हुआ जिस तरीके से आपने बताया कि उस पूरे ग्रुप में मैं मास्टर हुआ करता था, तो दूसरों को दी हुई सलाह कभी काम आई और खुद सोचा कि अब इस सलाह पे मुझे भी काम करना चाहिए, क्या पता मेरा काम बन जाए। सुना नहीं आपने मैं सिंगल हूँ? सिंगल हूँ तो वो भी सिंगल है जिनको सलाह दी थी वो भी तो कभी कोई सलाह किसी के काम आई बताया ना, वो जैकेट 2700 वाली बेचारा कहाँ परेशान है, तो ऐसा ही सर्किट है। तो मतलब कभी ऐसा होगा कि हाँ यार कभी तो कोई गर्लफ्रेंड हो, कभी तो कुछ काम बन पाए? अब तो मम्मी पापा से उम्मीद है, कुछ कर देंगे तो कर देंगे, नहीं तो फिर ठीक। लेकिन हम मैंने भी सुना है हरियाणा में एक कहावत है कि कई बार ना जो ये तुक्का लगता है और बहुत तीर सही निशाने पे जा लगता है, तो पेरेंट्स के हाथ में कई बार बागडोर छोड़ देनी चाहिए। हाँ, पेरेंट्स के हाथ में बागडोर छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने आपकी पूरी जिंदगी ड्राइव की है बेटा, तो तुम्हें यहाँ तक लेकर। ऐसा नहीं है, अगर जोक्स अपार्ट, अगर आप किसी से प्यार करते हैं पेरेंट्स को भी समझना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, और प्यार बुरी चीज नहीं है। प्यार जब प्यार श्री कृष्ण ने किया तो अच्छा, जब प्यार अब कोई कर दे तो खाप पंचायत। वो खाप पंचायत से भी मेरे को ये बात याद आ गई। हाँ। कि हरियाणा की प्रसेप्शन के ऊपर बात है। आप देखो कि प्रसेप्शन कैसी बनाई है हरियाणा की, हमारे बारे में बोलते हैं ना तुम लड़ते झगड़ते बहुत हो, तो इसका मैं बार बार एग्जाम्पल देता हूँ कि हमारा इतिहास ऐसा है इसलिए हम ज्यादा लड़ते झगड़ते हैं। देखो कुरुक्षेत्र महाभारत हमारे यहाँ हुई, लेकिन कमाल की बात यह है कि कौरव रहते थे यूपी में, पांडव रहते थे दिल्ली में, लड़ाई करना है तो चलो हरियाणा, तो हमारे यहाँ के हरियाणा में आगे लड़ाई की। श्री कृष्ण का भी देख लो आप, मतलब उन्होंने सारा कुछ, मतलब जन्म लिया यूपी में, रास रचाया यूपी में, और आके लड़ाई करा दी हमारे यहाँ लेकिन उनकी भी बात सही थी, अगर श्री कृष्ण हरियाणा में आके रास रचाते तो खाप पंचायत ही हो जाती। तो इसी के साथ आपका एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे, क्योंकि जब शो शुरू हुआ था और अब शो खत्म हो चुका है, तो उस दौरान क्या कुछ लाइफ में चेंजेस आए हैं? एक्सपीरियंस की बात ऐसी है कि एक्सपीरियंस जिंदगी में एक ऐसी चीज है, एक्सपीरियंस कभी बुरा नहीं होता। एक्सपीरियंस आपको, यानी आप सीख कर आए हो, आपके साथ कोई चीज बुरी हुई है तो भी आपने सीखा है, कोई चीज अच्छी हुई है तो भी आपने सीखा है, और ऊपर से मैं हरियाणवी हूँ,
तो अपन ने ना सीखा हो ना चाहे सीख लिया हो चाहे कुछ भी हो, स्वाद तो अपन ठाडे लेके आए तो मजा आया इतने बड़े सुपरस्टार के साथ इतने दिन तक लगातार टीवी पर आना। प्राउड की बात ये है, फ्रॉम द फर्स्ट एपिसोड ऑडिशन से लेकर और फिनाले तक हम उस शो का हिस्सा रहे, उस शो का जिस शो ने इंडिया को एक से एक बड़े नाम दिए कॉमेडी के अंदर, और एक से एक अच्छे अच्छे आर्टिस्ट के साथ हमने स्टेज शेयर किया, राजू श्रीवास्तव जी और कपिल शर्मा जी, मतलब एक से एक संकेत भोसले भाई, मतलब सब लोग अच्छे अच्छे लोगों के साथ हमने वो स्टेज शेयर किया। तो इतना है कि वो टाइम नहीं है, वो मेरे लिए मेमोरी है। तो काफी अच्छी जर्नी रही एक तरह से। तो अभी आपने देखा विश्वास से हमने बहुत सारी बातें की, विश्वास एक बार फिर आपसे मिलके बहुत खुशी हुई और बहुत मुझे भी बहुत मजा आया, और मुझे लगता है कि दर्शकों ने भी खूब इंजॉय किया होगा आपकी परफॉर्मेंस को, आपकी बातों को। और हम यही उम्मीद करेंगे, यही दुआ करेंगे कि आप इसी तरीके से बढ़ते रहें और इसी तरीके से सबको हंसाते रहें। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बढ़ने के लिए। थैंक यू। तो आज की खास मुलाकात में थे हमारे साथ विश्वास चौहान। फिलहाल के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। बच्चियों, गुफा में जाकर एसी ऑन करो।